नमस्कार, आप देख रहे हैं आर प्रकाश टीवी। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है और हर पार्टी मैदान में उतरकर जीतने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं भाजपा के टिकट लेने के लिए नेताओं की भीड़ भी जुटी हुई है। पार्टी का हर कार्यकर्ता व नेता चाह रहा है कि उसे भाजपा की टिकट हासिल हो जाए। इसी संगम में अर्थकाश के संवाददाता ने भाजपा के राय के टिकट के चाहवान पुनीत जी से बात की और उनसे पार्टी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली। आइए हम आपको दिखाते हैं। सोनीपत जिले में है, सोनीपत जिले का राय विधानसभा क्षेत्र है। राय विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के संभावित उम्मीदवार पुनीत राय मेरे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से राय विधानसभा में युवाओं को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं, लोगों के अर्दिल अजीज नेता बने हुए हैं। पूरे जीटी रोड पर जब हम निकलते हैं तो हमें सिर्फ पुनीत राय का नाम सुनाई देता है, तो ऐसा उन्होंने थोड़े दिनों में किस तरह से इस शिखर पर पहुंचे, जानने की कोशिश करते हैं पुनीत राय जी से। हाँ जी पुनीत जी, आप जीटी रोड बैठ पर बैठे हैं जी, और सोनीपत की राय विधानसभा सीट से आप बीजेपी के दावेदार हैं जी, तो क्या लगता है कि भी इतने लोग एकदम से आपके साथ किस तरह से जुड़े इस विधानसभा क्षेत्र में, कितनी दावेदारी आपने मजबूत मान के चलते हैं, जबकि और भी और पुराने नेता यहाँ पे हैं? मैं तो पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मैं तो बच्चा हूँ उन सबके सामने। ये जो लहर चली हुई है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य प्रणाली है और हमारे अमित शाह जी ने जो अभी धारा 370 और 35 ए पे काम किया है, या भी देश की रक्षा है मजबूती के लिए जितने काम किए हैं, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने जितनी पारदर्शिता से ये कार्यकाल का जो अपना राज था 5 साल का, इसके दौरान जिस तरीके से जितने प्यार के सरल स्वभाव से 36 बिरादरी को एक साथ लेकर बिना पर्ची बिना खर्ची बिना रिश्वतबाजी के जो उन्होंने हरियाणा में माहौल बनाया है, उसकी वजह से लोगों का जुड़ाव हमारे और पार्टी के साथ। देखिए आप ये बताइए कि जिस तरह से 5 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे जी, एक राय की चर्चा ज्यादा क्यों है? राय की चर्चा का विषय इसलिए भी है कि राय दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। फिर डेवलपमेंट के हिसाब से भी राय इंडस्ट्रीज एरिया, कुंडली इंडस्ट्रीज एरिया है, और यहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल में भी TDI, अंसल, ओमेक्स, सुशान सिटी, ये सब चीज़ें हैं, तो इस दृष्टि से भी राय तहसील भी है, राय हर तरीके से ऊपर है। पुनीत जी, अभी आपने पार्टी में आए हुए कुछ दिन हुए हैं, लगभग 1 साल हुआ है, 1 से 1.5 साल हुआ है, लेकिन इससे पहले बहुत से पुराने नेता हैं यहाँ पे, संघ से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जब आए हैं, सबसे ज़्यादा उपस्थिति जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की रही है उसमें आप काफ़ी आगे रहे हैं, ये आपने एकदम से कैसे किया, क्योंकि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और आप एक मतलब व्यवसाय से जुड़े हुए हो? देखो मेरे यहाँ जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बिल्कुल राजनीतिक से हटके हैं, राजनीति परिवार से नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, हमारे परिवार में तो कोई सरपंच भी नहीं है, मैं एक आम और साधारण परिवार का लड़का हूँ, अपने खुद के बिजनेस कर रहे हैं और एक दो कंपनियों के साथ अपना काम भी करते हैं जुड़ के भी। हमारा क्या है, हमने ना एक लक्ष्य बना रखा है कि जिस कार्य को भी करो उसमें अपना 100% दे के करो। जैसे हम अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को संभालते हैं, ऐसे ही हम अपनी पार्टी को भी संभालते हैं। भाई यदि हम सब पार्टी के लिए इतनी वफादारी से काम नहीं करेंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे कमजोर हो जाएगी। अब आप ये बताइए कि पार्टी के लिए आपने अब तक क्या किया, मतलब जिस तरह से सदस्यता अभियान है, ये कई तरह के अभियान पार्टी ने छेड़े हैं, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आपने अब तक क्या किया? जैसे हमारी अभी ना आयुष्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो हर परिवार के 5 लाख रुपए के, जितने भी आम मध्यम वर्ग के परिवार हैं, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के तहत जो मेडिक्लेम का बीमा करवाया है, हमने उसका प्रचार प्रसार डोर टू डोर जाके किया, ताकि लोगों को ये सब चीज़ें ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि सरकार करती है लेकिन वो आम जन तक नहीं पहुंच पाते, हमने उसमें डोर टू डोर जाकर अपने हल्के में मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुँचाई, उनके फार्म वगैरह भरवाए, ताकि भाई सबको उसका उनका हक मिल सके, और इसका बहुत से लोगों ने फायदा भी उठाया है, बहुत से गरीब आदमी हैं अब वो इस बात से खुश भी हैं, भाई किसी का 10,000 रुपये का भी इंतजाम नहीं होता, उनको बीमार हो जाते हैं, तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, और अब उनको 5 लाख तक की सेफ्टी मिली है तो वो बड़े खुश भी हैं। इसी प्रकार से जैसे
सरल केंद्र हमारे बने हुए हैं जिसमें लगभग 500 योजनाएं जो सरकार की हैं वो एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन आम जनता को उसके बारे में भी नहीं पता है कि भाई कुछ ही % आदमी ऐसे जिनको ये सब जानकारियां हैं कि भाई एक ही छत के नीचे 500 कार्य लगभग सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक ही छत के नीचे हमारे काम हो जाते हैं। राशन कार्ड का काम है, चाहे पेंशन का काम है, चाहे वोटर कार्ड का काम है, इसको किसी ये अन्य काफ़ी काम है। अब उन सब का भी प्रचार प्रसार हमने पार्टी का ग्राउंड लेवल पे किया है। और इसके अलावा जैसे हर छोटे और बड़े किसान के लिए, पहले हमने हमारी सरकार ने छोटे किसान के लिए 6,000 रुपये सालाना का काम स्टार्ट किया था देने के लिए, और अब 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं और 6,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। इसके लिए भी हमने गांवों में जाकर किसानों को इकट्ठा करके उनसे बात करी, पटवारियों से बात करी, उनके फार्म सबमिट करवाए, भरवाए, ये सब कार्य है। और अभी जैसे संगठन पर्व 2019 के तहत हमने ये लक्ष्य लिया है कि राय हल्के के हर घर से हम बीजेपी का कार्यकर्ता बनाएंगे। काफ़ी हद तक हम अपने काम को कर भी चुके हैं और जो बचा हुआ है उसको भी हम पूरा करेंगे। हम अपने इस लक्ष्य को लेकर चले हुए हैं कि हमारे राय हल्के के हर गांव में के हर घर में बीजेपी का कार्यकर्ता। देखिए, किसानों के लिए आपने बात की, किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसे फसल योजना बीमा है, कुछ फसल योजना बीमा है, जिस तरह से आज भी हम बात करें कि जिस बाढ़ आई हुई है कई इलाकों में, पानी भर गया है, जिस तरह से पीछे से पानी आ रहा है, उसके लिए भी आप कह रहे थे कि भी मैंने लोगों को संपर्क किया, जो जिस तरह से भी जो पानी में फसल डूबी है उनका ब्यौरा इकट्ठा करके सरकार तक पहुँचाएंगे, वो आप कैसे बता रहे हैं? बाढ़ जो जिस क्षेत्र में भी बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं उसका हमारे हर क्षेत्र के नेताओं ने भी निरीक्षण किया है। वो हमारे अभी परसों खुद CM साहब ने खुद हवाई जहाज से इसका दौरा कराया है और सबको ये बोल दिया है, आश्वासन दिया गया है कि भाई हम इसकी गिरदावरी करवा के और जिस किसान को जो भी अर्जन हुआ है हम उसकी भरपाई करवाएंगे और किसानों को बिल्कुल भी एक परेशानी नहीं होने देंगे। जो भी उनका अर्जन हुआ है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी इतने खुद जागरूक है कि उन्होंने खुद अपने सारे प्रोग्राम छोड़कर हेलीकॉप्टर से इसका दौरा किया पूरे जमुना बैल्ट का और सरकार को प्रशासन को पूरा अलर्ट रहने के लिए बोला है और बोला है किसानों का जो भी नुकसान हो रहा है इसकी जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और उनकी भरपाई की जाए। एक युवा वर्ग आपके साथ काफ़ी बड़ा जुड़ा हुआ है, आपके लगभग 70-72 गाँव हैं, इस गाँव में किस तरह का रिस्पॉन्स अब आजकल मिल रहा है बीजेपी को, जबकि पहले यहाँ पे इतना रिस्पॉन्स नहीं होता था? देखो, इस रिस्पॉन्स के जिम्मेवार हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उसका कारण ये है कि कुछ गांव ऐसे हैं कि उनमें से उन परिवार के बच्चों को नौकरी मिली है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पहली सरकार में क्या होता था कि जिसके बाप दादा अफसर हैं, जिनकी कहीं सेटिंग बाजी है, जुगाड़बाजी है, पर्ची खर्ची का इंतजाम है, उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर जी ने जितनी पारदर्शिता दिखाकर अब की बार जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के काबिलियत के हिसाब से उन्होंने जो नौकरियां दी हैं उससे युवा वर्ग में एक बड़ी ही खुशी है और बहुत ही खुशी की लहर है। और वो लहर सिर्फ मेरे बताने की नहीं है, वो शायद अभी MP के इलेक्शन में लोगों ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से, नीतियों से बिल्कुल खुश हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है 75 बार, अगर आपकी बातों से हम अंदाजा लाए तो 75 बार क्या, ये तो एकदम से ऐसा लगता है कि शायद विपक्ष का नाम ही ना रहे। तो 90 की विधानसभा में जिस तरह से 10 लोकसभा की 10 लोकसभा पूरी की पूरी मिली है, 90 में ऐसा प्रचंड होगा तो फिर क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है आज के टाइम में, असंभव कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, उसके लिए ये कहना कि भाई वो 90 की 90 सीटें नहीं ले सकती, ये बड़ा गलत होगा। हमारी पार्टी 90 की 90 सीटें ले सकती है, क्योंकि जिस पार्टी की नीयत और नीति ठीक होती है, जो संगठन के तरीके से पूरे 36 बिरादरी को अपना परिवार मानकर कार्य करती है, उस पार्टी के साथ अब लोग ना समझदार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। पहले क्या होता था, अब भाई नहीं, सरपंच साहब ने बोल दिया है, मेंबर ने बोल दिया है, विधायक जी ने बोल दिया है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब हमारी पार्टी के अंदर एक आम कार्यकर्ता भी है तो उसकी अहमियत भी एक विधायक की तरह है। जन आशीर्वाद यात्रा की बात जहाँ तक चल रही है, सोनीपत में पहुंचेगी, 25 को आपके यहाँ भी कार्यक्रम है,
पर लेकिन आपकी पांच विधानसभा में सबसे बड़ी नजर है ना जो राय विधानसभा पे है, जबकि भी जब ये संगठन में चर्चा ये रही कि भी राय विधानसभा में कौन सबसे ज्यादा सुपर रहेगा, किसके कार्यकर्ता ज्यादा रहेंगे, वहां भी आप कहने वालों में सबसे ज्यादा भी कार्यकर्ता हम जोड़ के दिखाएंगे, तो इसमें के बारे में क्या कहोगे? देखो ये हमारे लिए कोई ये हमारे लिए और की बात नहीं है, एक दूसरे से जबरदस्ती की भावना की बात नहीं है, ये बात है हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे हल्के के में आ रहे हैं, हम उनके मान सम्मान के लिए उनके स्वागत के लिए सब अपने अलग अलग तरीके से उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से, लड़ियों से, झंडों से, बैनरों से, स्टिकरों से, ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसा कर उनका स्वागत करेंगे। और रही बात जनसंख्या की कि भाई कौन कितनी जनसंख्या जुटाकर मनोहर लाल खट्टर जी को हाजिरी लगवाता है, बात सिर्फ ये है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे हल्के में आए तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं हल्के में जिस किसी भी मेरे भाई के सहयोगी साथी के हैं वे सारे बहुत ही अच्छे सफल होने चाहिए, सबकी संख्या बहुत ही अच्छी और बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि हमारे मुख्यमंत्री को मनोहर लाल जी को भी इस बात की खुशी हो कि जो मैंने काम पांच साल में करे हैं उससे आमजन खुश है और उनके उनको और आगे काम करने के लिए पब्लिक उनके साथ है और आगे वो इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करें, ये इसका मकसद यही है। अगर हम बात करें जिले की करें या राय की करें कि सबसे युवा चेहरा है आप जी, लेकिन आप इस राजनीति में जो उतर रहे हैं जी, राजनीति में उतरने के साथ साथ आपने सामाजिक कार्यों में, एजुकेशन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो एक युवा वर्ग अभी तक नहीं कर पाया, वो थोड़ी सी अगर हम लग रहे हैं ये देखें कि भी आपने क्या क्या काम किए उनके रोशनी डाले तो क्या क्या है आपके छोटे का? देखो ऐसा है, मेरा अपना मानना है मैं एक आम परिवार से, वो आज परमात्मा ने जिस मुकाम पर हमारे को पहुंचाया है हम तो उस मालिक के शुक्र गुजार हैं कि भाई मालिक ने जिस लेवल पर हमारे को पहुंचा दिया, क्या पता हम इस लायक थे या नहीं थे, ये सब भी उस परमात्मा की देन है। तो इंसान यदि नेक नियत और नेक नीति से यदि कोई भी कार्य करता है और उस कार्य में यदि मेरे आज परिवार का गुजारा 100 रुपये में हो रहा है और 10 रुपये यदि मैं धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, जरूरतमंदों के सहयोग में यदि मैं लगाता हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, मेरे को सुकून महसूस होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा राजकीय उच्च विद्यालय राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है विश्व में, वहाँ पर हमने जो जहाँ पर परेड वगैरह होती है जो वहाँ का अपना स्टेज है उसके ऊपर हमने सेट डलवाई, वहाँ पर सेट की व्यवस्था नहीं थी, बारिश में बच्चे जब प्रार्थना वगैरह करते थे, कोई फंक्शन वगैरह होता था तो बड़ी परेशानी आती थी, हमारे को पता चला ये सब हमने राजनीति माने से कल ही करवाया, वहाँ पर काम करवाया। स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए हम जगह जगह ना शिविर लगवाते हैं, ब्लड कैंप जहाँ भी होता है वहाँ लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक करते हैं, ब्लड डोनेट भी करते हैं ताकि लोगों में ना एक जागरूकता बढ़े, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, योग करना, योग के बारे में जागरूक करना, योग शिविर लगवाना या फिर स्वास्थ्य शिविर लगवाना, ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि लोग एक्टिव रहे, उनका स्वास्थ्य यदि ठीक है तो वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं। राजनीतिक लोग सारे काम करते हैं लेकिन पर्यावरण एक विषय ऐसा है उसमें भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरह देख रहे हैं कि भी आप इसमें जाकर के फील्ड में जाकर पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग राजनीति का काम हमने देखा है कि कोई करता युवा चेहरा फिर भी आप कर रहे हैं, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं मेरा खुद का मानना है कि ये सब चीजें भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहो या हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को कहो, जो उन्होंने अभियान चलाया है वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, अब लोग उसके प्रति इतने जागरूक होते जा रहे हैं कि हर आदमी ये चाहता है कि भाई मैं चाहे वृक्ष दो की बजाय एक ही लगाऊं लेकिन उसको अपने बच्चे की तरह पालूं, उसके पूरी संभाल रखूं। इसका मतलब एक चीज से और होता है, जैसे अभी आजकल हम आप जैसे ही हमारे मीडिया बंधु हमारे को दिखाते हैं टीवी में कि भाई आज पोल्यूशन का जो सतर है वो 400 पर चला गया है, 500 चला गया है, खतरे के निशान पर आ गया है, 600 पर आ गया है, तो आप सबका भी बहुत योगदान है इसमें लोगों को जागरूक करने में। जो हम आप हमारे को पोल्यूशन का सतर बताते हो भाई, जितनी सोशल मीडिया एक्टिव हो रही है उससे लोग भी जागरूक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो लोगों पर भी आ ही रहा है, तो लोगों की भावना को देखते हुए हमने ये एक मुहिम चलाई थी कि भाई हम हर गांव के हर स्कूल में, हर मंदिर में और हर चौक चौराहे पर कम से कम 3-3 वृक्ष जरूर लगाएं, पीपल का हो, पेड़ का हो और नीम का।
और उसी गांव के 3 आदमियों की 4 आदमियों की ड्यूटी लगाई कि भाई इनके के लिए थोड़ा बहुत खाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इनके बाढ़ की व्यवस्था और इनके रख रखाव की व्यवस्था उनको दी जाए। काफ़ी आदमियों को हमने दी भी है, कुछ जगह हमने काफ़ी क्षेत्र में काम करवाया भी है। पीछे इंडस्ट्री एरिया में भी हमने हज़ारों की संख्या में पेड़ लगवाए, रायगांव में लगवाए, बड़मलिक में लगवाए, मलिकपुर में लगवाए, जयपुर में लगवाए, ताजपुर में लगवाए, काफ़ी गाँवों में हमने इस प्रकार की ये योजना चलाई ताकि उसको हमारे को देखते हुए लोगों ने भी इसके प्रति जागरूकता। बिल्कुल अच्छे आपसे मैं पूछूंगा कि जिस तरह राय विधानसभा में और भी राय और भी हैं बीजेपी के दावेदार हैं टिकट के, तो इनमें आप होड़ देखते हो या कोई आपस में एक जब किसी को टिकट मिल जाएगी एक दूसरे के साथ चलेंगे ऐसा लगता है? मैं किसी के अंदर कोई होड़ नहीं देखता ना। हम ये कहते कि वो टिकट हमारे को मिलनी चाहिए, हमारे को मिलेगी, ये पार्टी का काम है, ये संगठन का काम है। संगठन हमारी जो जिम्मेवारी लगाएगा हम उसको तहे दिल से पूरी जिम्मेवारी से निभाएंगे, उसमें चाहे टिकट में हमारा नाम आए या किसी हमारे साथी का नाम, हम संगठन के प्रति वफादार हैं और वफादार रहेंगे। देखिए मेरे साथ थे युवा चेहरा राय का जो बीजेपी के टिकट के दावेदार है, वो पूरे ही बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं, वो बीजेपी से बाहर की कोई बात सोच ही नहीं रहे हैं। लगता है कि अगर युवा चेहरे को अगर पार्टी ने अगर उतारा तो राय से पुनित ही ये चेहरा सामने हो सकते हैं। अर्थ प्रकाश न्यूज के लिए सहयोगी आदेश के साथ मदन सोनीपत राय। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।